तो बेटा अपन ने क्लास में पढ़ा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और उसमें अपन ने बताया कि जब किसी धारा वाहक चालक धारा तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो बेटा ये तार है और ये मेरे पास बैटरी है, मैं इसमें धारा प्रवाहित करूंगा तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो बेटा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता हूं मैं, ये मैंने धारा प्रवाहित कर दी बेटा, अब इसमें धारा बह रही है, इसके चारों तरफ क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया बेटा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। दिख रहा है तुम्हें, नहीं दिख रहा है तो फिर कैसे पता चलेगा कि चुंबकीय क्षेत्र है या नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीज लेके आते हैं जिससे इसकी प्रेजेंस के कारण वो इफेक्टेड हो। तो मैं क्या करता हूँ, ये कंपास ले आता हूँ बेटा, ये कंपास, ये तार मैं इसके पास ला रहा हूँ। कुछ हो रहा है क्या, कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें धारा नहीं बह रही है, धारा नहीं बह रही। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें धारा प्रवाहित करूंगा। अब धारा प्रवाहित करते ही क्या होता है देखना, ये मैंने धारा को ऑन कर दिया, ये धारा प्रवाहित करते ही क्या हुआ, निडल घूम गई इधर कि नहीं घूमी। अब मैं इसको अगर निडल को क्या करूं, ऊपर लेके जाऊं, दूर लेके जाऊं इस तार को, ये तो विक्षेप कम हुआ, विक्षेप कम हुआ, मतलब उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब मैं इसको पास लेके जाऊं, देखो विक्षेप बढ़ेगा, ये विक्षेप बढ़ रहा है, ये मतलब यहां पर जब मैं इस तार को दूर लेके जा रहा हूं तो इसका प्रभाव कम हो रहा है, चुंबक की तरह घट रहा है, और जब मैं इसको पास लेके आ रहा हूं चुंबक की तरह क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो दूरी के साथ चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है। अब मैं अगर इसको मैं जीरो कर दूं, अब देखो मैं धारा को खत्म कर रहा हूं, जीरो कर रहा हूं, तो देखना ये वापस कहां आता है, ये लो, ये वापस अपने नॉर्मल कंडीशन में आ गया, आया कि नहीं आया। अब एक चीज मैं और करता हूं, तार को मैं यही रखता हूं ठीक है, धारा के मान को चेंज करूंगा, धारा को बढ़ाऊंगा और घटाऊंगा। जैसे जैसे धारा बढ़ेगी ना, वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, बढ़ेगा, और इसका विक्षेप भी बढ़ेगा, सच में बढ़ेगा बेटा देखना। ये मैंने ऑन कर दिया, ये अभी मैंने जो इसको दे रखा है पोटेंशियल, वो क्या दे रखा है, 2 वोल्ट का दे रखा है। अब मैं इसको बढ़ाऊंगा, ये दो विक्षेप बढ़ा, इट मीन्स जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हो वैसे वैसे जो है करंट बढ़ेगी, करंट बढ़ेगी तो इसमें विक्षेप भी बढ़ता है। अब देखो मैं वापस कम कर रहा हूं, ये देखो कम हुआ, ये कम हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये बता रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को, कि जब आप तार में धारा प्रवाहित करोगे तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है।